अब खबर मार्बल सिटी किशनगढ़ अजमेर से है, जहां लोगों ने केंद्र और राज्य सरकार के आदेशों की जमकर धज्जियां उड़ाई। दरअसल मामला पावरलूम एसोसिएशन के चुनाव का है, जहां पावरलूम से जुड़े एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने चुनाव कराने के लिए एसोसिएशन भवन में आपात बैठक बुलाई, लेकिन इस बैठक में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गईं। लोग बैठक में एक दूसरे से सटक कर बैठे रहे। प्रशासन की बगैर अनुमति के साथ एक साथ बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए। खास बात तो यह है कि बैठक में 60 साल से ज़्यादा उम्र के कई लोग भी मौजूद रहे, जबकि अनलॉक 1 में भी सरकार ने सभी से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने, मास्क लगाने और सभी तरह के चुनाव पर रोक लगाई है। लेकिन यहां पावरलूम से जुड़े लोगों ने खुद के साथ दूसरों की भी जान जोखिम में डाल दी, जहां पर पूर्व अध्यक्ष गोपाल सोनी को सर्वसम्मति से फिर से अध्यक्ष चुना गया, लेकिन इसकी खबर प्रशासन को लगते ही उपखंड अधिकारी राजेंद्र सिसोदिया ने पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। इस तरह की लापरवाही वाकई में बेहद गंभीर है। सौ करीब लोग थे, तो गाइडलाइन के अंदर ऐसा है कि बुजुर्ग आदमी इकट्ठा नहीं हो सकते, वो भी थे, और इस तरह मीटिंग हुई, तो क्या परमिशन थी उनके पास? या जहाँ तक पावरलूम एसोसिएशन द्वारा इकट्ठे होकर अपना कोई चुनावी चर्चा या इस तरह का कोई निर्णय लिया गया, उस पर मुझे फिल वक्त जानकारी नहीं है। मैंने कल सुबह 10 बजे ज्वाइन किया है। लॉकडाउन 5.0 के नियम अनुसार पावरलूम फैक्ट्रीज और इस तरह के प्रोडक्शन फैक्ट्रीज जो अपने प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए किसी तरह का कोई निर्णय ले सकते हैं, और अभी मुझे पहले यह भी जान